पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। इसी को लेकर कानपुर में हमारे संवाददाता ने जनता के बीच पहुंचकर उनकी राय जानी कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। सभी पार्टियां अपने दांव खेलने लगी है। वही बात करें 2024 के सांसदीय चुनाव के, तो देखा जाए तो प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुए, लेकिन वो जो प्रत्याशी बनने के विचार में है उनके भी प्रचार प्रसार जारी हो गए। वही हमारे साथ कुछ जनता है जो बात करेगी 2024 के चुनाव के विषय में, उनसे बात करेंगे और जानेंगे 2024 का कैसा रहेगा नतीजा। आइए सीधे जनता से प्रश्न रहेगा, सर क्या नाम है आपका? उमर शरीफ। 2024 का चुनाव आ रहा है, इसमें सांसद ने अभी 5 साल में क्या कार्य किया आपके क्षेत्र में? अच्छा है ना, ये बात फजल भाई बताइए। सर आप बता दीजिए। वैसे मेरा नाम फैज महमूद है, मैं समाजवादी पार्टी से राजनीति करता हूँ। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, 2024 का ये जो चुनाव होने जा रहा है ये गरीबों वर्सेस अमीरों का चुनाव है, क्योंकि इस सरकार ने अमीरी पूंजीपतियों अडानी अंबानी का सहयोग किया है, गरीब जनता मरी है। कानपुर जो कि एक काम बिजनेसमैन सिटी का, जहाँ बिजनेस ही बिजनेस है, व्यापार पूरी तरह से यहाँ चौपट हो चुका है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब जनता 2024 में इस सरकार को जवाब देगी, और हमारे सांसद ने कितनी फैक्ट्रियां लगाई, कितने कारखाने लगाए, आप सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं। यहाँ पर सांसद जो थे, 5 साल में सांसदी कार्य क्या हुए हैं और क्या नहीं हुए हैं? 5 साल में मैं भी राजनीति करता हूँ, शायद ही मैंने 1 या 2 बार शहर में अपने सांसद जी को देखा है, देखा ही नहीं तो काम कहाँ से देखेंगे जब उन्हीं को नहीं देखा है। वैसे 5 साल में कार्य कर रहे थे, 2024 का चुनाव आ रहा है, 2024 का चुनाव में क्या बदलाव होना चाहिए? 2024 में चुनाव में सबसे पहले जनता को जाति धर्म इन सब को छोड़ के ये देखना चाहिए काम कौन करा सकता है। कि जब से इंडिया गठबंधन बना है, इसमें बहुत कई प्रदेशों को लेके सब सारी सोचे हैं, उसमें हर तरह की खाली पूंजीवादी सोच नहीं है, हर तरह की सोच रखने वाले लोग हैं। जो भाई साहब ने इंडिया गठबंधन के बारे में बताया, इसमें आपका क्या कहना है? अच्छा है ना, इसके बारे में बहुत बेहतर है और बेस्ट है, और ये आगे भी चलेगा और चलता ही रहेगा। यहाँ 2024 के चुनाव आ रहे हैं, सांसद ने क्या कार्य किया, क्या लग रहा है 24 के चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहिए? जैसे कि हमारे भाई ने बताया कि जब सांसद जी को देखा ही नहीं गया तो विकास क्या 24 में प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहिए? ऐसा ना बताइए। नहीं आप बता दीजिए। अरे हम लोग इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री चाहते हैं, वो तो फैसला होगा कि अखिलेश जी बनेंगे या ममता बनर्जी, जो भी बने इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अभी कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन कुछ दिन पहले टूट गया था, क्या कहेंगे भाई उसमें आप? ऐसा कोई बात नहीं है, गलत है न्यूज। इंडिया गठबंधन जो बना है वो अभी तक इंशाल्लाह बनता रहेगा, और आने वाले 2024 में उसका आपको निर्णय मिल जाएगा। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। क्या है सर, क्या नाम है आपका? फिरोज खान। यहाँ पर सांसद द्वारा क्या कार्य किया गया? सांसद द्वारा जैसे अभी हमारे भाई ने बताया, जब सांसद जी को देखे ही नहीं जाता है तो काम क्या बता दें आपको। हाँ, हमारे भाजपा सरकार ने एक काम बहुत अच्छा करा, बंटवारा कर दिया पूरे देश का, हिंदू मुसलमान, बस यही एक काम हुआ है जो बुरी तरीके से चल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं करा है। 24 में किसको आप 24 में वोट किसको देना चाहेंगे? 24 में वोट हमारी सबसे बढ़िया सरकार है जो सपावादी, बस अखिलेश को। बीजेपी को क्यों नहीं देंगे? क्यों देंगे भैया, सारा कारोबार चौपट हो गया, काम धंधा सब खराब हो गया, क्या करेंगे बताइए, आज इतनी बेकारी फैली हुई है। वही और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या राय है। सर लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2024 के चुनाव में सांसद जो अभी हैं क्या वो आएंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि भाई ऐसा कोई विकास, ऐसा कोई काम हुआ नहीं जो वो दोबारा आए। याद देखा जा रहा है 2024 के लिए लगातार मध्य जो बातचीत हो रही है, लग नहीं रहा, अभी कहा भी नहीं जा सकता 2024 में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में कौन होगा। वहीं कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए सत्यम गोस्वामी।